पंचर वाले की करोड़ों की कमाई का राज खुला तो यूपी पुलिस के तो होश उड़ गए। वो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन एक साल में ही 7 करोड़ की संपत्ति जमा कर ली। बड़े बड़े नेताओं आईएएस अधिकारी के घर इतना पैसा देखा होगा, पंचर वाले के घर नहीं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर बरेली में रहने वाले एक पंचर वाले की अकाउंट डिटेल जिसने भी देखी उसके होश उड़ गए। दिल्ली से इनकम टैक्स वाले अलग परेशान हो रहे थे और उधर यूपी पुलिस अलग फाइलें खंगाल रही थी कि ये पंचर वाला एक साल में ही करोड़पति कैसे बन गया। क्या इसके पास कोई अलादीन का चिराग है या फिर कोई खानदानी संपत्ति थी जिसे बेचकर ये मालामाल हो गया। जब पता पूछते पूछते पुलिस घर पहुंची तो कहानी ही बदल गई। वो कहने को पंचर वाला था, लेकिन लाइफ ऐसी जी रहा था मानो शाहरुख और सलमान की लाइफ भी फेल हो। एक पंचर वाले की संपत्ति देखकर तो बड़े बड़े नेता और एसपी डीएम भी फैन हो गए, लेकिन उस काली कमाई के राज जब खुलने शुरू हुए कहानी ही पलट गई। आप ये कहानी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि पंचर की आड़ में करोड़पति बनने का तरीका क्या है। यूपी के बरेली का रहने वाला इस्लाम खान कभी स्कूल नहीं गया, किसी दुकान पर रहकर पंचर बनाने का काम सीखा और दुकान पर काम करने लगा। आप जानते ही हैं कि गांव देहात के इलाकों में पंचर बनाने वालों की तादाद काफ़ी होती है, रिश्ते भी अच्छे बन जाते हैं। उसकी दुकान पर आने वाले सभी लोग, यहां तक कि पूरा इलाका उसे पंचर वाले के नाम से जानता था। लेकिन इस्लाम खान तो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। पंचर की आड़ में वो ड्रग्स का धंधा कर रहा था। हम आपको मुजफ्फरनगर वाले ड्रग्स का शाहीन बाग कनेक्शन भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि इस छात्र तस्कर को पुलिस ने कैसे पकड़ा। बरेली के एडिशनल एसपी राजकुमार अग्रवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हमें पंचर वाला इस्लाम खान के नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल होने की जानकारी मिली, जिसके बाद हमने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। पुलिस को ये ड्यूटी दी गई कि उसका हर मूवमेंट पता किया जाए। एक दिन हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा और जेल भेज दिया। इस्लाम खान एक पंचर दुकान पर काम करता है। जब आधार कार्ड की मदद से हमने उसका पैन डिटेल चेक किया तो चौंकाने वाली बात पता चली। इस्लाम और उसके परिवार ने जो आयकर रिटर्न भरा उसमें बड़ी राशि दिखाई गई थी। उसने एक बहुमंजिला इमारत बनवाई और एक बाइक का शोरूम भी खोला था, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि ये पैसे आखिर कहां से आए। ये अकेले किसी इस्लाम खान की कहानी नहीं है, बल्कि देश में ऐसे लाखों पंचर वाले और छोटे धंधे वाले लोग होंगे जिनका असल धंधा घर वाले भी नहीं जानते होंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें कम मेहनत में अच्छी कमाई का नशा चढ़ जाता है और फिर पकड़े जाते हैं तो पूरी जिंदगी जेल में गुजर जाती है। इस्लाम खान से पहले बरेली के गांव से पुलिस ने शातिर ड्रग माफिया तैमूर खान उर्फ भोला को गिरफ्तार किया था, जिसकी छवि इलाके में रॉबिनहुड की थी। वो ड्रग्स बेचकर जो पैसा कमाता उसका कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता था, ताकि पुलिस पकड़ने आए तो वो गरीब दीवार बनकर उसके लिए खड़े हो जाएं। लेकिन उसकी ये चालबाजी काम नहीं आई और पुलिस ने बीते साल सितंबर महीने में ही उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले उसी के गैंग का शाहिद खान भी पकड़ा गया तो 60 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी। ये वो लोग थे जो गन्ने के खेत में हेरोइन छिपा कर रखते थे। अब पंचर वाला इस्लाम खान भी उसी के गैंग का बताया जा रहा है, जिससे पुलिस ये पता कर रही है कि ड्रग्स आता कहां से था और कहां कहां सप्लाई करते थे। पाकिस्तान से आने वाला ड्रग्स पंजाब के रास्ते दिल्ली पहुंचता है, फिर यूपी और बिहार झारखंड तक जाता है। अफगानिस्तान से आने वाला ड्रग्स समुद्र के रास्ते गुजरात होते हुए देश के कई राज्यों में पहुंच जाता है। अप्रैल 2022 में पहले दिल्ली के शाहीन बाग से 50 किलो हेरोइन पकड़ी गई, फिर यूपी में छापेमारी की गई। मुजफ्फरनगर से 900 करोड़ की कीमत की 150 किलो हेरोइन बरामद हुई तो पता चला यूपी नया अड्डा है। शाहीनबाग से ड्रग्स माफिया जो हैदर पकड़ा गया उसी ने मुजफ्फरनगर में अपना नया ठिकाना बनाया था। ड्रग्स माफियाओं के तार यूपी के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने लगे हैं, जिनकी कमर तोड़ने में यूपी पुलिस लगी है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़े जाने के बाद से देश भर में एंटी नारकोटिक्स की टीम एक्टिव हो गई। लेकिन एक्टिव आपको भी होना पड़ेगा, क्योंकि यूएन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में बीते 10 सालों में ड्रग्स लेने वालों की संख्या 30% बढ़ गई है। 2.3 करोड़ भारतीय अफीम का नशा करते हैं। ड्रग्स की वजह से देश में रोजाना 21 मौतें होती हैं। इसलिए अपनों को सुरक्षित रखना है तो ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी मिले तो पुलिस तक जरूर पहुंचाएं, ताकि आपका बच्चा ड्रग्स के जाल में न फंसे। ब्यूरो रिपोर्ट।